दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारा एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया है और हमें न्यू एटीएम कार्ड प्राप्त हुआ है तो हम न्यू एटीएम कार्ड को फोनपे के अंदर ऐड कैसे कर सकते हैं, ये प्रोसेस इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप करके जानेंगे। दोस्तों आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया है और आपको न्यू एटीएम कार्ड को फोनपे के अंदर ऐड करना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से पुराने वाले एटीएम कार्ड को हटा के आप न्यू एटीएम कार्ड को ऐड कर सकते हो। अब दोस्तों आपको न्यू एटीएम कार्ड को फोनपे के अंदर ऐड करना है तो सबसे पहले आपको फोनपे एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके फोनपे एप्लीकेशन को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद में दोस्तों आपको फोनपे एप्लीकेशन को ओपन करना है। फोनपे एप्लीकेशन को ओपन करने पर दोस्तों इस तरह से आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कॉर्नर में लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी बैंक नेम है यहाँ पे आपको बैंक नेम देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि मेरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के अंदर मेरा अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका बैंक नेम है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल देखने को मिल रही होगी, अकाउंट टाइप यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रांच नेम यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका जो भी ब्रांच का IFSC कोड है वह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको अनलिंक बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अनलिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे एक पॉपअप शो कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अनलिंक पे क्लिक करना है। अनलिंक पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एड न्यू बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका जो भी बैंक नेम है वह बैंक यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, या फिर दोस्तों यहाँ से आप अपने बैंक नेम को सर्च भी कर सकते हो, अपने बैंक को यहाँ से सर्च कर सकते हो। दोस्तों मेरा बैंक नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहां से मैंने बैंक को सेलेक्ट किया है। अब दोस्तों यहां पे हमारा बैंक ऐड हो गया। बैंक ऐड होने के बाद में दोस्तों आपको न्यू एटीएम कार्ड को ऐड करना होगा, जो भी आपका न्यू एटीएम कार्ड प्राप्त हुआ है उसे ऐड करना होगा। न्यू एटीएम कार्ड को ऐड करने के लिए दोस्तों यहां पे आपको रिसेट पिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो यहां पे आपको रिसेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिसेट पिन पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके मोबाइल के स्क्रीन पे पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो डेबिट एटीएम कार्ड, तो दोस्तों यहां पे आपको चेकबॉक्स पे टिक करना है। चेकबॉक्स पे टिक करने के बाद में दोस्तों यहां पे आपको नीचे की ओर ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, तो यहां पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे एक पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे आपका जो भी न्यू एटीएम कार्ड प्राप्त हुआ है उस एटीएम कार्ड का पीछे का 6 डिजिट नंबर यहां पे आपको डालना है, या फिर दोस्तों आपको एटीएम कार्ड का पीछे का 6 डिजिट का पता नहीं है तो जो आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो इस तरह से आपके भी एटीएम कार्ड का पीछे का 6 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर है वह नंबर यहां पे आपको डालना है। एटीएम कार्ड नंबर डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी है, जो आप मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे हो इस तरह से आपके भी एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट है वह यहाँ पे आपको डालनी है। एक्सपायरी डेट डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे आपको वेट करना है। अब दोस्तों आपके अकाउंट के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP प्राप्त होगा 6 डिजिट का, वह OTP यहाँ पे आपको डालना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे OTP डालने के बाद में दोस्तों राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके मोबाइल के स्क्रीन पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 6 डिजिट का UPI पिन सेट करना होगा, जो आप अपनी चॉइस से सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 6 नंबर का UPI पिन डालना है। यहाँ पे UPI पिन डालने के बाद में दोस्तों आपको राइट वाले बटन पे क्लिक करना है। राइट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में फिर से वही UPI पिन यहाँ पे आपको कंफर्म के लिए डालना है, जो आपने 6 डिजिट के अंदर UPI पिन डाला है वह सेम UPI पिन फिर से यहाँ पे आपको डालना है। UPI पिन डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको राइट वाले बटन पे क्लिक करना है। राइट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो UPI पिन सेट। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से न्यू एटीएम कार्ड को फोनपे के अंदर ऐड कर सकते हो। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको फोनपे के अंदर न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से फोनपे के अंदर न्यू अकाउंट बना